आया साडे नाल तेनु पता है न जा गीत लिखे मेरा यार किदी कलम च जान इशी कलम दे नाल कई रोकिया तूफान जेड़ा रैप करे काका तेनु ओदा है गुमान एवें रंडी रोना पाके ना तू बन सुल्तान। हाय एवरीवन, दिस इज योर तुफक चौहान। और गाइस, आज के एपिसोड में सबसे पहले तो आप सबको वेलकम। और आज मेरे साथ बहुत खास गेस्ट हैं, वो एक वीडियो एडिटर भी हैं और फोटोग्राफर, आजकल वो लिरिक्स भी लिख रहे हैं और सिंगर भी हैं। सो प्लीज़ वेलकम इशी ब्रो। सबसे पहले तो वेलकम टू माई शो और आपका शुक्रिया कि आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला। थैंक यू ब्रो, आपका भी कि आपने हमें इस शो में बुलाया। तो ज़्यादा टाइम नॉइस करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। सो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अभी सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन आंसर सेशन, उसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको उनके रिप्लाई देने होंगे। जी जी। अपने फैंस को बताना होगा कि किस तरह आप अपनी लाइफ गुजार रहे हैं और क्या स्ट्रगलिंग थी आपकी। जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, आप बताएं आपका रियल नेम इफ्राहिम है, काफ़ी लोगों को नहीं पता, तो उसके बारे में कुछ बताएँगे इफ्राहिम से इशी किस तरह। जी, मेरा मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि मेरा रियल नेम इफ्राहिम है और मुझे मेरा जो सा निक नेम है वो इशी है। मेरे घर में भी सब प्यार से इसी नाम से बुलाते हैं और जितने लोग मुझे जानते हैं वो सब इसी नाम से, ज़्यादातर लोग इसी नाम से जानते हैं जी। और जो मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं वो मेरा रियल नेम जानते हैं, बाकी और कोई नहीं जानता, तो मुझे इसी नाम से जानते हैं। इफ्राहिम से इशी, इशी नाम किस तरह पड़ा? जो इशी नाम है वो मेरी दादो मुझे प्यार से घर में बुलाती होती थी, फिर सब घर वाले बुलाने लग गए, फिर बाहर जो से दोस्त सब, फिर इसी नाम से। और मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि मुझे लोग इस नाम से ज़्यादा बुलाएं। जी, जी। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन, जी जी, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि आप बताएं कि आप सिंगिंग वाली और लिरिक्स की फील्ड में किस तरह हैं। यार, जो लिरिक्स वगैरह मैं लिखता था वो आज से 4 साल पहले की बात है, कुछ हालात इस तरह के गुजरे हैं, ठीक है, तो जिसकी वजह से मैं शायरी वगैरह करता था। तो फिर एक दिन मुझे मेरे दोस्त कहते हैं जी कि यार कोई ना कोई सॉन्ग करते हैं यार, तो अच्छा लिख लेता है, चलो कोई सॉन्ग वगैरह करते हैं। तो हमने फर्स्ट सॉन्ग जो उनसे सबसे पहले किया था वो हम सब फ्रेंड्स ने एक दूसरे से पैसे मतलब कोलैबोरेट करके पहला सॉन्ग हमने किया था, तो लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया था हमारे काम को, तो उससे हम इंस्पायर होकर हमने कहा चलो यार स्टार्ट करते हैं जी। तो उसके बाद अब 4 सॉन्ग आए हैं, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है जब लोग इस तरह सपोर्ट करते हैं। तो लिरिक्स की इंस्पायरेशन किससे आई, किससे इंस्पायर होकर आपने लिरिक्स लिखना स्टार्ट किया? यार, वो कहते हैं नहीं है कि शायरी के लिए कुछ खास नहीं चाहिए, एक यार चाहिए वो भी दगाबाज, तो बस आपको पता है। तो लिरिक्स और सिंगिंग जी, मतलब अब हम अक्सर देखते हैं कि एक बंदा होता है वो सिर्फ लिरिक्स ही लिखता है, तो लिरिक्स और सिंगिंग का साथ किस तरह कॉम्बो? तो यार, जब मैं फर्स्ट टाइम स्टूडियो गया जी, तो शुएब भाई जॉन से हमारे हर सॉन्ग के म्यूज़िक करते हैं, तो काफ़ी वो मोटिवेशन वगैरह बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम उन्हें लिरिक्स वगैरह दिखाए सॉन्ग्स के, तो वो मुझे कहते हैं कि मतलब यार आप बहुत बेहतर कर सकते हो। तो उन्होंने मुझे कहा चलो कोई सॉन्ग वगैरह गा के सुनाओ, तो उन्हें मैंने सॉन्ग गा के सुनाया, तो उन्होंने कहा कि यार आप एक अच्छा लेवल बना सकते हो क्योंकि आप सिंगिंग भी कर लेते हो, लिरिक्स भी लिख लेते हो। तो बहुत उनकी बात से मुझे बहुत मोटिवेशन मिली। तो उस वक्त मैंने सॉन्ग करवाया था वार्निंग, और वार्निंग सॉन्ग करवाया तो काफ़ी बहुत लोगों ने सपोर्ट की और बहुत अच्छा बना, बहुत प्यार मिलता अभी भी। और उसके बाद फिर मैंने कहा चलो यार सिंगिंग स्टार्ट करते हैं, अभी मेरा आगे भी सॉन्ग्स आ रहे हैं, सैड सॉन्ग एक आ रहा है जी, और उसके बाद 2 सॉन्ग्स आए हैं वो अपने फ्रेंड्स ही हैं, बहुत अच्छा, वो भी एक लड़के ने गाया है जी, सैड सॉन्ग सदर, उसने बहुत अच्छा बेफाई सॉन्ग गाया है और रैप किया वानी ने, और अभी भी हमारे और सॉन्ग्स बहुत प्रोजेक्ट आ रहे हैं, एक अभी आया टेम्पो सुल्तान अपने राइस भाई ने गाया, बहुत कमाल रैप किया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया जी जी लोगों का, बहुत लड़के कहते हैं कि बहुत अच्छी वोकल मतलब म्यूजिक वगैरह बहुत। अब आप देखें आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रगल है हमारे फर्स्ट सॉन्ग से, आप देखें अभी आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ चल रहा है। तो आपकी स्टार्ट में स्ट्रगलिंग टाइम में कुछ उसके बारे में बताएं, और जो आपके साथ उस टाइम लोग थे जो स्ट्रगलिंग टाइम में थे वो अब भी साथ हैं या वो छोड़ गए, कुछ उस बारे में बताएं। यार, उस बारे में बताऊं कि एक वक्त ऐसा आया था कि मतलब एक ही मेरा दोस्त था जो मेरे साथ था, और मैं उसकी हर जगह तारीफ करता हूँ, और वो सोनू है जी। कोई ऐसा वक्त इंसान के ऊपर आता है कि मतलब कोई आपके साथ नहीं होता, और उसके बाद अब सब साथ ही हैं, सब अच्छा चल रहा है, आपके सामने ही हैं, सब काम वगैरह कर रहे हैं। तो अपनी टीम के बारे में कुछ बताएं, आपका आजकल वो प्रोडक्शन हाउस भी चल रहा है जी जी, उसके बारे में कुछ बताएं कि किस तरह स्टार्ट लिया उसका।
जी बताना चाहूँगा कि मैं सबसे पहले एज अ फोटोग्राफर यूज़ हुआ हूँ, खुदा ने उसमें भी बहुत इज्जत दी है। उसके बाद वीडियोस वगैरह सॉन्ग्स की जितनी वीडियोस वगैरह हैं वो हमारे हाथ में ही होती हैं, और उसके बाद बाकी डायरेक्टर जो उनसे हैं वो अपने ही हैं, सोनू भाई, आपको जिस तरह सबको पता ही है सोनू भाई डायरेक्टर हैं, और फोटोग्राफर एक दो लड़का और है जिनको मैं थोड़ा बहुत साथ सिखाता रहता हूँ यार, चलो उनके भी काम वगैरह आ जाएगी। तो एक टीम वगैरह बनाई हुई है, सब काम वगैरह कर रहे हैं, तो लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं, बड़ी खुशी होती है जब लोग मिलते हैं कहते हैं यार भाई आपका गाना जो है बहुत हमें अच्छा लगा है। तो आगे देखो और प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो अपने प्रोडक्शन के बारे में बताएं, आपने स्टार्ट किस तरह किया, आपका पहले स्टार्ट में था एक्सके प्रोडक्शन और अब लेवल रिकॉर्ड्स को आप बढ़ा रहे हैं। यार सबसे पहले जब हमने प्रोडक्शन एक बनाई थी तो तब मैं एडिटिंग करता होता था मोबाइल पे, मुझे शौक था एडिटिंग का, मैंने कहा यार चलो एडिटिंग वगैरह फोटोग्राफी का। तो उसके बाद जो है मैंने कंप्यूटर पे स्टार्ट की यूट्यूब से देख देख के, ठीक है, जितना भी मतलब ट्यूटोरियल्स वगैरह आते हैं उधर से देख के मैंने स्टार्ट की। उसके बाद फिर VFX भी मैंने सब मतलब ट्यूटोरियल्स वगैरह डाउनलोड कर लेता होता था, रात को देख लेता होता था। तो उसके बाद खुदा का शुक्र है, अब तो खुदा ने इतनी इज्जत दी है फोटोग्राफर एज आ VFX एडिटिंग, सबका काम अपना ही आपको पता है। और अभी भी इतने लड़कों के मैसेज पेंडिंग पे मैसेंजर के ऊपर रहते हैं यार भाई शूट कर दो, मैं उन्हें रिप्लाई नहीं करता, मैंने कहा यार रिप्लाई करके, अब अपना ही कौन सा काम है बस वही। और उसके बाद हम लोगों ने एक लेवल रिकॉर्ड्स की टीम बनाई जी, तो अब काम वगैरह आपके सामने है, कर रहे हैं हम लोग। तो अभी आगे बहुत प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आप सब बस इस तरह सपोर्ट करते रहे हमें। तो अपने स्ट्रगल टाइम के बारे में हमें कुछ बताएं कि क्या एफर्ट्स किए आपने। यार स्ट्रगल टाइम के अंदर बहुत एफर्ट्स किए हैं कि कोई वक्त ऐसा आता है कि आपके साथ कोई भी नहीं रहता, ठीक है, तो आप अकेले ही होते हो, तो बस ये है कि उस टाइम को आपने किसी ना किसी तरीके निकालना होता है, और बाकी अपने ऊपर दूसरे से ज़्यादा अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा रखें, किसी का सहारा ना लें, कोई भी काम है ठीक है ना अपने पर यकीन, सिर्फ अपने पर यकीन रखें जी। और कोई भी मुश्किल वक्त आता है तो सिर्फ आपके माँ बाप आपके साथ हैं, और उसके अलावा कोई आपका दोस्त वगैरह नहीं होता, जितना मर्जी साथ का हो कोई दोस्त नहीं आपका बनता, सिर्फ आपके माँ बाप हैं। तो आप सबसे पहले माँ बाप को रखें, फिर आगे आप अपने फ्रेंड्स सबको रखें, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि आप लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं और किस तरह अपने नए सॉन्ग्स के बारे में। यार लॉकडाउन में मैं लिरिक्स वगैरह जो उनसे लिख रहा हूँ, और अभी रिकॉर्ड वगैरह करवाएंगे जाके सॉन्ग्स, तो काफ़ी मैंने लिख लिए हैं, कोई 20-25 सॉन्ग्स लिख लिए हैं, और अभी देखें आप आगे। भाई आपका अपकमिंग कौन से सॉन्ग आ रहे हैं कुछ उसके बारे में बताएं, और कुछ थोड़ा सा सॉन्ग हमारे व्यूअर्स को सुना। सॉन्ग आ रहा है मेरे प्यारे भाई भवानी ने गाया, और बस वीडियो के साथ जल्दी आ रहा है, जटती गरारी सॉन्ग का नेम है जटती गरारी। तो चलो आपको थोड़ा सा सुना दें। ओ सहेलियां नू रहंदी मेरे बारे दसदी, दूरों दूरों वेख मैनू रहंदी हसदी, कहंदी रहंदी जट आ बरूद वरगा, टाउन दी मंडीरी दे कोलों डरदी, जदों किते शहर विच गेड़ा मारदें गलबात उत्थे फिर एदी चलदी, ओ जिथे किते जट दी गरारी अड़दी, गोली सिद्धी हिक विच ठा वजदी, जिथे किते जट दी गरारी अड़दी, गोली सिद्धी हिक विच ठा वजदी। बहुत ग्रेट ब्रो, और बहुत थैंक यू आपका जी। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा, आप अपने व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे, और होप कुछ लड़के होते हैं मैंने अक्सर देखा है जो स्ट्रगलर्स होते हैं इसी फील्ड में जी, वो स्टार्ट में होप छोड़ जाते हैं, जब उनका अक्सर होता है कि कुछ गाने हमारे नहीं जाते जी जी बिल्कुल, तो उसमें वो होप छोड़ जाते हैं, तो उनको कोई मैसेज देना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि यार स्ट्रगल करें, आज देख लो आप कोई भी आर्टिस्ट है अगर उसका कोई नाम है तो यार उसके पीछे उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, ठीक है, स्ट्रगल के बगैर कोई नहीं है। कोई कहे कि मैं पहला सॉन्ग किया और मैं उसे हिट हो गया हूँ, तो ये कोई नहीं है, हर इंसान की अलग स्ट्रगल है, ठीक है। कोई भी आर्टिस्ट है कोई भी मुकाम हासिल करने के लिए ठोकरें लाजमी होती हैं इंसान के लिए, ठीक है, तो स्ट्रगल करें, हिम्मत ना छोड़ें, कुछ भी नहीं होता, लोग जो उनसे है ना कोई भी सपोर्ट नहीं करता, सीधी जो उनसी बात है, और ख़ासकर पाकिस्तान के अंदर कम लोग हैं सपोर्ट करने वाले। तो बाकी मैं सबको यही कहता हूँ कि यार आप सब जो है ना स्ट्रगल करें, कुछ भी नहीं होता, इतना कोई इशू नहीं है, आप स्ट्रगल करें, एक ना एक दिन आपको ज़रूर आपका मुकाम आपको हासिल होगा। और माँ बाप की इज़्ज़त लास्ट जो सी बात है, माँ बाप की इज़्ज़त किया करें, ठीक है,
और इनसे बढ़कर कोई भी नहीं है, बस इनकी दुआएं आपके साथ होंगी तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। थैंक यू। तो कोई मैसेज अपने हेटर्स को? हेटरों को फिर यही मैसेज है कि चक्की जाओ, गीत आ रहे हैं नवे नवे, तो स्वाद लो फिर। तो बस इसके साथ हम अपने शो करते हैं एंड। सो कुछ हल्का सा अपना कुछ शेर, कोई शेर ना दो, एक सैड सॉन्ग लिखा हुआ है तो उसके एंड में लाइंस बोलनी है, चलो शेर सुना देता। तेरी ठोकर मारी सानू नी, एक फन जिया सिखा गई है, मुड़ वे है यार नू तू शहर जिया बना गई है, इस गल दा बस गरूर करी कि प्यार तेनू मैं कीता सी, तू दे के सानू तोखा नी ए वार दिल ते कीता सी। थैंक यू। हाँ जी गाइज, तो उफक चौहान के यूट्यूब चैनल को आप सब सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर, बहुत अच्छा भाई का काम है, घंटी वाला बटन डालते जरूर दबाना। ठीक है, तो पंजाबी च दस देने हैं, इन्हें चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो इस बंदे को, बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके भाई। थैंक यू सो मच। तो बाकी इंस्टा फॉलो कर लो, उन्होंने वो कोने आन डिया तो मेरा इधर करके आन डिया वेख लो, तो हूँ आया तो हूँ जाके फॉलो करो, बाकी सारी अपडेट्स वो आनगियाँ, तस्वीर अच्छी आनगियाँ। बाकी लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, चेंज सपोर्ट करो, सपोर्ट करो, लेवल रिकॉर्ड्स लास्ट भी आएगा तो उन्होंने भी सब्सक्राइब करो, तो बैल आइकन भरा तोड़ दो, वेख लो मीटा नहीं गल। जेड़े कल दे जवाक बलिए मार रिपल आए सारे फेम पाल दे, ओ सिर उत्ते जिन्ना दया वाल भी नहीं, कहंदे चार चेहरे दे साड़ी अख लाल दे।